नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। हमारा शरीर कुछ संकेत हमें ऐसे देता है जो हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह जो संकेत होते हैं, यह जो लक्षण होते हैं, वो हमें आगाह करते हैं कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 लक्षणों के बारे में बताऊंगा, ऐसे 10 संकेतों के बारे में बताऊंगा जो हमें आगाह करता है कि हमारे शरीर के अंदर, खास करके हमारे हार्ट के अंदर, हमारे हृदय के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और हमें हृदय संबंधित कुछ बीमारी होने वाली है। पहला संकेत है पुअर ग्रिप स्ट्रेंथ, यानी कि कोई भी चीज को हाथ से पकड़ने की आपकी क्षमता कम हो जाना और कोई भी चीज को स्क्वीज करने की आपकी क्षमता कम हो जाना। देखिए, अक्सर यह तब होता है जब हमारे हाथों तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है और हमारे हाथों के अंदर, खास करके हमारे पंजों के अंदर और हमारी उंगलियों के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाना। यह तब होता है जब हमारा हार्ट अच्छी तरह से पंपिंग नहीं कर पाता है, या फिर हार्ट में से हमारे दूसरे ऑर्गन्स तक जो भी ब्लड वेजल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है वहां पर कोई प्लेक हो जाना, वहां पर ब्लॉकेज हो जाना और जो ब्लड वेजल्स है वो सिकुड़ जाना। अगर ऐसी कुछ समस्याएं होती है तो हमारे हाथों तक अच्छी तरह से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, खास करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जो भी ग्रीप है, जो भी कोई भी चीज पकड़ने की, स्क्वीज करने की जो भी ग्रीप है वो कम हो जाती है। अगर ऐसा कुछ संकेत आपके सामने आता है तो यह भी दर्शाता है कि आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होने वाली है। दूसरा संकेत है डिजीनेस, यानी कि चक्कर जैसा लगना, सिर घूमना। यह तब होता है जब हमारे दिमाग तक अच्छी तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है। यह तब नहीं पहुंच पाता है जब हमारा हार्ट अच्छे से पंपिंग नहीं करता है और हमारा जो, हमारे हार्ट की जो रिदम होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, हमारे हार्ट की जो पंपिंग होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, इसीलिए हमारे दिमाग तक अच्छी तरह से खून नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस, यानी कि सिर घूमना या फिर चक्कर आना, ऐसी समस्या होती है। खास करके जब आप सोकर उठते हो, बैठते हो, और बैठने के बाद अगर आप जब खड़े होते हो तब अक्सर यह प्रॉब्लम होती है, और यह प्रॉब्लम आए दिन, हर दिन आपके साथ होती है। तो आपको इसे भी नज़रअंदाज नहीं करना, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यह भी एक संकेत है कि आपको हार्ट संबंधित कुछ समस्याएं है। तीसरा संकेत है चेंज इन कलर ऑफ स्किन, यानी कि आपकी त्वचा का रंग चेंज हो जाना, खास करके हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां की त्वचा का जो रंग है वो बदल जाना, खास करके ब्लू और ग्रे हो जाना। यह तब होता है जब हमारे हाथों तक और हमारे पैरों तक अच्छी तरह से ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तब अक्सर जो स्किन का कलर है, खास करके हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियों के जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो यह भी एक संकेत है कि आपको हार्ट संबंधित कुछ प्रॉब्लम है या फिर होने वाली है। चौथा संकेत है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर आपको आए दिन यह प्रॉब्लम रहती है, अगर आप थोड़ा सा भी चल लेते हो, थोड़ा काम कर लेते हो, या फिर एक माला भी अगर आप चढ़ जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी अगर आपकी सांसें फूलने लगती हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, यह प्रॉब्लम आपके साथ आए दिन होती है, तो यह भी एक संकेत है कि आपको हार्ट संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है। पांचवा संकेत है फटीग, यानी कि कमजोरी और थकान महसूस होना। अगर यह समस्या कभी कभार होती है, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर लिया उसके बाद अगर कमजोरी या फिर थकान महसूस होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हर दूसरे दिन, हर दिन आपके साथ यह समस्या रहती है, खास करके जब भी आप सुबह उठते हो, आपने 7-8 घंटे की अच्छी से नींद भी ले ली है, फिर भी आपको कमजोरी और थकान महसूस होती है, पूरे दिन ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। खास करके जो भी आपके मसल्स होते हैं वहां तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। वह इसलिए होता है क्योंकि आपका जो हार्ट है उसमें जो रिदम होती है वो एबनॉर्मल हो चुकी है, हार्ट का जो पंपिंग है वो भी एबनॉर्मल हो चुका है, आपकी हार्ट की जो, हृदय की जो धड़कन है वो भी एबनॉर्मल है, इसलिए अभी एक संकेत है। अगर बार बार आपको हर दूसरे दिन, हर दिन आपको कमजोरी और बेचैनी जैसा महसूस होता है, थकान जैसा महसूस होता है, तो यह भी एक संकेत है कि आपको हार्ट संबंधित कुछ समस्याएं है या फिर होने वाली है। छठा संकेत है गम प्रॉब्लम। देखिए, आपकी जो ओरल हेल्थ होती है और आपकी जो हार्ट हेल्थ होती है, दोनों के बीच में सीधा कनेक्शन है। हालांकि ये जो कनेक्शन है वो हम अभी तक अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ अध्ययनों में, कुछ स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि अगर आपको गम प्रॉब्लम है, खास करके ब्लीडिंग गम्स है,
कि आपके मसूड़ों में से बार बार खून निकलता है, हर दूसरे दिन आपको ब्लीडिंग गम्स की परेशानी होती है, तो उसे भी आपको हल्के में नहीं लेना है, नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अध्ययनों में ऐसा साबित हुआ है कि ब्लीडिंग गम की समस्या तब होती है जब हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है। यह बैक्टीरिया हमारे मुंह से होकर हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं और हमारे हार्ट में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन पैदा करते हैं। इसलिए ही अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो पहले उसे अच्छी बनाए ताकि आपको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम ना हो। तो यह भी एक संकेत है, अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो उसे भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। सातवां संकेत है सेक्सुअल प्रॉब्लम। अगर पुरुषों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन और महिलाओं के अंदर लॉस ऑफ लिबिडो, अगर यह प्रॉब्लम है हर दूसरे दिन, हर दिन यह प्रॉब्लम रहती है, तो यह भी एक संकेत है कि आपको हार्ट संबंधित कुछ प्रॉब्लम है या फिर होने वाली है। आठवां संकेत है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का सीधा मतलब है कि जब भी आप रात को सोते हो तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है और बीच बीच में आपकी नींद बिगड़ जाती है और आप उठ जाते हो। यह इसलिए होता है कि हमारे दिमाग तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाता है, तब हमारा दिमाग हमारे हार्ट को मैसेज करता है ज़्यादा ब्लड भेजने के लिए, तब हमारा हार्ट जोरों से धड़कने लगता है, जोरों से पंपिंग करता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, टेकिकार्डिया हो जाता है और जो भी रिदम होती है हमारे हार्ट की वो भी एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट को नुकसान होता है। तो स्लीप एपनिया की अगर प्रॉब्लम है, आप भी रात को बार बार जाग जाते हो, तो उसे भी आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यह भी एक संकेत है कि आपको हार्ट संबंधित कुछ प्रॉब्लम है या फिर होने वाली है। नौवां संकेत है इन्फ्लामेशन ऑन लोअर लेग्स। अगर आपके पैरों के निचले हिस्सों में हर दिन आए दिन सूजन हो जाती है, तो उसका मतलब है कि वहाँ तक जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अच्छी तरह से पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि जो ब्लड वेजल्स होती है उसमें शायद प्लेक हो गया है या फिर वहाँ पर ब्लॉकेज हो गया है, हार्ड हो गई। अगर ऐसी कुछ समस्या है तब भी आपके जो भी पैरों के जो भी लोअर हिस्सा है वहाँ तक अच्छी तरह से ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो आपके जो पैरों के निचले हिस्सों में आए दिन हर दिन सूजन रहती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो यह भी एक संकेत है कि आपको हृदय संबंधित कुछ बीमारी है। दसवां संकेत है बम्पी रेशेस ऑन स्किन। अगर आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी सीधी असर आपकी स्किन पर होती है, आपकी स्किन के ऊपर बम्पी रेशेस, खास करके येलोइश टू ऑरेंज कलर के बम्पी रेशेस हो जाते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट आपकी ब्लड वेजल्स पर होती है, आपकी जो ब्लड वेजल्स है वो हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी प्रेशर होता है, जो खून का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा हार्ट ज़्यादा जोरों से पंपिंग करता है, जोरों से धड़कने लगता है और जो रिदम है वो भी एबनॉर्मल हो जाती है। तो अगर आपके शरीर के अंदर अचानक से अगर बम्पी रेशेस हो गए, खास करके येलोइश टू ऑरेंज रंग के, तो उसे भी आपको हल्के में नहीं लेना है और आपको यह जान लेना है, आपको आगाह हो जाना है कि आपको हृदय संबंधित कुछ समस्याएँ हो सकती है। तो दोस्तों, यह 10 ऐसे संकेत थे जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, और अगर इनमें से एक या फिर अधिक संकेत आपको आए दिन दिखाई देते हैं तो सबसे पहले तो आपको कोई अच्छे से कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाकर अपना ECG करवाना है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो समय रहकर आपके सामने आ जाए और समय रहकर उसका इलाज हो पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।